एक बार मैं घर लौटा तो मेरी माँ हमारे पड़ोसियों के दरवाजे पे खड़ी थी। तो मैंने माँ से पूछा क्या हुआ, तो मेरी माँ ने कहा कि थोड़ा नमक चाहिए था, मैं आज इनसे नमक मांगने आई हूँ। तो वहाँ एक आंटी खड़ी थी, मैंने उन्हें नमस्ते किया, घर लौट आया। थोड़ा हैरान था मैं, दो कारण थे। नंबर एक, आज तक मैंने हमेशा हमारे पड़ोसियों को हमसे कुछ मांगते हुए देखा था, पहली बार आज मैंने मेरी माँ को मेरे पड़ोसियों से कुछ मांगते हुए देखा। और दूसरा, मुझे इस बात पे पूरा विश्वास था कि नमक हमारे घर खत्म नहीं हो सकता, फिर भी मेरी मम्मी नमक क्यों मांग रही है वहां से। मम्मी वापिस आई 5 मिनट के बाद, तो मैंने पूछा मेरी मम्मी से कि आपने उनसे नमक क्यों मांगा। तो मेरी माँ ने क्या जवाब दिया, गौर से सुनिएगा, कि उन लोगों के पास पैसे की किल्लत है और अक्सर वो हमसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, और मैंने नमक मांगकर उन्हें ये फील कराया कि उन्हें भी हमारी जरूरत है और हमें भी उनकी जरूरत है। क्योंकि आज हमने उनसे नमक मांग लिया, अगली बार उन्हें कुछ हमसे चाहिए होगा तो वो मांगने में हमसे झिझकेंगे नहीं। जिंदगी में हमेशा याद करना, अगर भगवान ने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया है और आपके पास देने की क्षमता है, तो फिर उसे रोकिएगा मत, संकुचित मत करिएगा। जो देता है वो बड़ा होता है।